महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल का बयान, शिंदे को भारी मन से बीजेपी ने बनाया मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को कहा कि पार्टी ने भारी मन से फैसला किया है कि देवेंद्र फडणवीस की जगह शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने पनवेल में राज्य भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह फैसला सही संदेश देने के लिए लिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी एकल पार्टी भाजपा ने 30 जून को उस समय आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने घोषणा की कि शिंदे, जिन्होंने शिवसेना को विभाजित किया था और उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया था, को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पाटिल ने कहा, हमें एक ऐसा नेता प्रदान करने की जरूरत थी जो सही संदेश दे और स्थिरता सुनिश्चित करे। केंद्रीय नेतृत्व और देवेंद्र जी ने भारी मन से एकनाथ शिंदे को सीएम के रूप में समर्थन देने का फैसला किया। हम नाखुश थे लेकिन निर्णय को स्वीकार करने का फैसला किया। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों के एक समूह के विद्रोह के कारण उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि फडणवीस सीएम बनेंगे, लेकिन फडणवीस ने घोषणा की कि शिंदे नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। पूर्व सीएम फडणवीस ने भी कहा कि वह सरकार से बाहर रहेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की कि फडणवीस डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। इस बीच जब पाटिल की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो राज्य के भाजपा नेता आशीष शेलार ने संवाददाताओं से कहा कि यह पार्टी या पाटिल का अपना नहीं है, बल्कि वह आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। शनिवार को एक कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे सरकार ज्यादा देर तक प्रदेश में नहीं टिक पाएगी। उन्होंने महाराष्ट्र में मध्यावर्ती चुनाव की भविष्यवाणी भी की है।